सिद्धार्थ शुक्ला को किसी ने भी टारगेट नहीं किया है, स्ट्रांग होंगे वो अपनी जगह पर स्ट्रांग है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस बंदे को शो से बाहर निकालिए। सिद्धार्थ शुक्ला का जो ग्रुप है वो खराब नहीं है। मैंने ये बोला कि कल के एपिसोड में वो कहीं से भी टारगेट नहीं हुए। प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम तो गंद थे बिल्कुल। सिद्धार्थ के बोल से फिर बिगड़ा घर का माहौल। शहनाज की भी खुलने लगी है पोल। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है बिग बॉस के अड्डे में। आज मेरे साथ है प्रशांत और आरती जी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत से कि पिछले एपिसोड में क्या क्या धमाल हमें देखने को मिला। तन्वी, पिछले एपिसोड में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहाँ एक तरफ पहली बार अब तक के सीजन में इतना ज्यादा पहले पड़ाव में काफी, मतलब कल के एपिसोड में स्टार्टिंग में इतनी हंसी दिलाई हिंदुस्तानी बहू ने सभी कंटेस्टेंट्स को कि पेट पकड़ पकड़ के सब नीचे जमीन पे लेट लेट करके हंस रहे थे। काफी देखने को ऐसा लगा था अच्छा आज के एपिसोड में लड़ाई वड़ाई नहीं देखने को मिलेगी, हंसी वाला माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन एज यू नो बिग बॉस का घर है तो लड़ाई तो होगी। जहाँ एक तरफ जहाँ एक तरफ पारस और आरती के बीच में लड़ाई देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ माहिर और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में भी किचन में काम करने को लेकर के काफी बड़ी लड़ाई देखने को मिली। इसके अलावा कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी हुई तो जिनमें 6 लोग नॉमिनेट भी हो गए, तो कल का एपिसोड काफी अच्छा रहा। आरती जी, जैसे अभी प्रशांत ने बताया कि पिछले एपिसोड में काफी सारा धमाल देखने को मिला, लेकिन वही सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो माहिरा शर्मा से भी भिड़ते नजर आए, अरान खान से भी, जो भी अभी आए हैं वाई कार्ड एंट्री के तौर पे। तो क्या लगता है सिद्धार्थ शुक्ला कहीं तो रुके, मतलब आपको क्या लगता है उसमें? क्या है कि माहिरा के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का शुरू से चल रहा है और वो कभी भी उसके साथ बात नहीं करते। इन पर कई बार हमने देखा है कि माहिरा भी ये कहती नजर आई कि ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि बावजूद इसके कल माहिरा मुझे काफी अच्छी लगी, जब उन्होंने वो सब्जी लेकर आई तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। तब भी सिद्धार्थ लेकिन बड़े एरोगेंटली बोल रहे थे, हाँ हाँ बताइए कैसे कट करते हैं, कितना पीस कट करना है। तो या वो टॉन्ट मार रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो सीखना चाह रहे थे। बेसिकली सिर्फ उनका रहा कि वो माहिरा पर टॉन्ट मार रहे हैं। जहाँ तक रही अरहान की बात, अरहान खान रश्मि के फ्रेंड हैं और शुरू से ये माना जा रहा है कि अभी जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रश्मि की ही कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से रश्मि लगातार सिद्धार्थ पोक करती थी और उन्हीं के नाम पर खेल रही थी, इसी तरह अरहान ने भी आकर उन्हीं पर निशाना साधा। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक, बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला टॉप पर चल रहे हैं, सब बहुत पॉपुलर फेस बन चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो उसको छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम लाइमलाइट में आना ही है। तो मुझे लगता है कि माहिरा के साथ जो उनका हुआ वो थोड़ा सा सिद्धार्थ शुक्ला का एरोगेंसी थी कि वो जिस तरह से वो बात कर रहे थे और लगातार कर रहे थे वो ठीक नहीं था। और अरहान के साथ तो खैर वो शुरुआत है, देखते हैं। प्रशांत, क्या लगता है सिद्धार्थ शुक्ला ने कल माहिरा उनसे बहुत नॉर्मली बात करी? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला को किसी ने भी टारगेट नहीं किया है, स्ट्रांग होंगे वो अपनी जगह पर स्ट्रांग है, लेकिन उन्हें कोई टारगेट नहीं करा है। पहली बात तो अगर कोई तुम किसी के साथ खाना बनाने की ड्यूटी में आए हो, बेमतलब में तुम चढ़ रहे हो, कोई बंदा तुम किसी को ये भी नहीं देख रहे हो, बोल रहे हो कि रोटी तो बेलनी है, क्या रोटी बेलना इतना ईजी होता है? लेडीज और औरतों और लड़कियों से पूछ के देखो कि इतने सारे लोगों के लिए रोटियां बनाना कितना कोई आसान बात नहीं होती है। इसको इतनी फॉर्मली आराम से बोल देना, उसके अलावा चीज़ों के ऊपर भड़कना और जिस तरीके से उनका बात करना बेवजह, वो काफ़ी मुझे बेकार लगा। यहाँ पे कहीं भी माहिरा की गलती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि सोशल मीडिया पर भी मैं जाऊँ तो सोशल मीडिया पर भी लोग सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं। इवन सलमान और बिग बॉस से भी बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस बंदे को शो से बाहर निकाल। प्रशांत, माहिरा शर्मा के साथ तो हमने जैसे देखा कि कोई गलती नहीं थी माहिरा की, तब भी सिद्धार्थ उन पर चढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अगर अरहान खान की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है? देखिए, अरहान के साथ में भी सिद्धार्थ शुक्ला कुछ ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। जिस तरीके से किचन में उन्होंने प्याज के ऊपर एक चीज बोली थी, उस चीज को लेकर के भी उन्होंने आरती से जो कि वो कौन होता है मुझको इस तरीके से कहने वाला बोलने वाला, सब लोग एक साथ है तो सबको एक दूसरे की बातें माननी पड़ेंगी, काम करना ही पड़ेगा, जिस तरीके से वो दिखा रहे थे। इसके अलावा रही बात जब नॉमिनेशन में भी वो अरहान के ऊपर चढ़ गए असीम के साथ मिलकर के, और रही बात ग्रुप की, जैसे आरती ने ग्रुप के लिए बोला, हाँ ग्रुप नो डाउटली सिद्धार्थ शुक्ला का काफी बेटर है, 4 लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रुप भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को अब ना ही शहनाज पे यकीन रहा, और आरती को भी, जो आरती के लिए वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं, उन्हीं को लेकर के भी कल वो बिचिंग करते आए, दोगलाबंदी करते नजर आए, कहते हैं कि आरती तो वजन को देख करके चीज़ें करती है, कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, स्टार्टिंग में भी उसने ये किया, कभी इधर भाग रही थी कभी इधर भाग रही थी, तो वो ये सब कर रही है। तो सिद्धार्थ शुक्ला का ग्रुप की भी अब मुझे टूटता हुआ ही नजर आ रहा है, और जो कल उन्होंने हरकतें की वो बहुत ही भाई आती है। देखो, अब बिग बॉस में ग्रुप वाली बात ही नहीं बची, क्योंकि अब सबको इंडिविजुअली खेलना है। जो बिग बॉस ने कनेक्शन वाला जो वो भी एंगल दिया था वो भी खत्म कर दिया। अब इतने बड़े घर में कि आपको इतने बड़े घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई अभी इंडिविजुअल खेलेगा, अभी ग्रुप्स बनेंगे ही। रही बात कनेक्शंस की, तो बिग बॉस ने कनेक्शंस
वो कर दिए कि पहले की तरह कनेक्शन नहीं रहेंगे। रहे या ना रहे या इंडिविजुअली खेले या ना खेले, लेकिन बिग बॉस एक गेम ऐसा ही है जिसमें आपको इंडिविजुअली ही आखिरकार प्ले करना पड़ता है। हाँ, एक ग्रुप के साथ आप चलते हैं जो ग्रुप आपको दिख रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के जहाँ तक एटीट्यूड की बात है, सिद्धार्थ शुक्ला शुरू से ऐसा रहा है, उसकी कुछ लोगों के साथ ट्यूनिंग रही है, उसके अलावा उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। इससे पहले भी जो पुराने घर के लोग थे जिसमें देबोलिना थी, रश्मि देसाई थी या माहिरा से तो उनकी कभी बनी ही नहीं, पारस के साथ भी उन्होंने कभी बातचीत नहीं की, तो उन्होंने कभी भी किसी से, उनका नेचर ही ऐसा है, नेचर नहीं है, वो अपने आप को पता नहीं समझते, बहुत बड़ी तोप है, आपको लगती है, आपको लगता है इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था। सिद्धार्थ शुक्ला ही शो में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, खेसारी लाल यादव भी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इवन वो भी कल ये बोलते नजर आए कि वो सिद्धार्थ शुक्ला उनको ठीक लगे तो वो उनके पास गए, उनके पास बैठे, बात करने की कोशिश करी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो अपनी ही सिर्फ बात करते हैं, दो तीन लोग उन्होंने सिर्फ पकड़ रखे हैं, तो उन्हें किसी में जाना ही नहीं ऐसा ही है। आपको एकदम से दूसरे पे भरोसा करने में टाइम लगता है, वो लोग बाहर से आए हैं, सिद्धार्थ को ये बात समझनी चाहिए कि वो लोग बाहर से आए, उनको बहुत सारे वीक पॉइंट्स पता है। हम यहीं पे रुकते हैं, जरा हम ऑडियंस को बता देते हैं कि इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। इस बार सिद्धार्थ शुक्ला, अरान खान, शिफाली, माहिरा, पारस, शहनाज और तहसीन पूनावाला, ये सभी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं। आप इनमें से किसे बचाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रशांत, जैसे हमने देखा अभी अपकमिंग एपिसोड में कि बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को बोलते नजर आते हैं कि वो उन्हें घर से बाहर निकालने वाले हैं, तो उसमें तुम्हारा क्या कहना है? देखिए तन्वी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का अपकमिंग, जो कल अपकमिंग में दिखाया गया है, वो आज एपिसोड में जो चीज़ होगी, बेसिकली एक टास्क होना है घर वालों के बीच में, और वो टास्क काफ़ी ज़्यादा गंद मुझे देखने को मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा होने वाली है घर में, क्योंकि जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला की बात में ज़रा थोड़ी बाद में करूँगा, पहले तो जो शैफाली हैं, शैफाली जरीवाला हैं, उनके बीच में और शहनाज के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी, इसके अलावा माहिरा और शैफाली के बीच में भी काफ़ी चिपटम चिपटा हो जाएगी टास्क को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बॉक्सेस वगैरह जो एक दूसरे के ऊपर वो लोग फेंकते नजर आ रहे हैं, उसमें सिद्धार्थ को लेकर के एंड में दिखाया गया है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा फिजिकल कुछ ज्यादा ही, हाँ ऐसा देखने को मिला नहीं है, लेकिन बिग बॉस ने भी बोला कि तुम बहुत ज्यादा फिजिकल हो गए हो, तुमने धक्का मुक्की बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी, शायद पारस वगैरह जिन किसके साथ, इस वजह से बिग बॉस ने ये फैसला लिया कि उन्हें शो से बेघर किया जाए। इस चीज को लेकर सुबह से ही सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल मचा हुआ है कि क्या वाकई में वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं और टॉप टू में वो जगह रखते हैं आना, तो इस हिसाब से उन्हें शो से बाहर कर, जैसे रश्मि भी अभी बता दिया कि वो सीक्रेट रूम में, तो इसी तरीके से सिद्धार्थ को लेके भी एक खबर है कि शायद उन्हें सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। पर फिलहाल तो ये देखना रहेगा आखिर उन्होंने किया क्या है, आखिर इतनी बड़ी चीज ऐसी क्या कर दी जो बिग बॉस को ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है। आरती जी, जैसे अभी प्रशांत ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला टॉप टू, क्या मतलब लोगों को तो ये तक लग रहा है कि वो विनर बनेंगे इस बार के सीजन के, देखा जाए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब उनका फिजिकल होना, अपने गुस्से पे काबू ना करना कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ने वाला है, जिस तरीके का हमने अपकमिंग एपिसोड देखा। एग्जैक्टली तभी हमने बिग बॉस को शुरू से देखा है और हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का एक नेगेटिव पॉइंट है जो वो ये है कि वो एक एग्रेशन उनका जबरदस्त, वो जब भी गुस्से में आते हैं वो कुछ भी करते हैं। पहले हमने देखा था सांप सीढ़ी वाला जब किया था तो उन्होंने सारे बॉक्सेस पलट दिए थे, वो भी बहुत एग्रेशन ही था, हालांकि बाद में क्योंकि उनको टारगेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उससे पहले जिस तरह से लड़कियों ने घेर कर एक सीढ़ी को बचा के रखा था, तब इसीलिए सलमान थोड़ा सा उनकी साइड में हो गए थे क्योंकि उस वक्त उनका गुस्सा था। सलमान भी वीकेंड के बाद पर यही बोलते नजर आए थे कि सिद्धार्थ शुक्ला में सब सही है लेकिन बस उनका जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं उनका, और कहीं ना कहीं घर में वही उनका वीक पॉइंट बनता है, और इस बार के एपिसोड में भी यही लग रहा है कि ज्यादा ही हो जाएगा जो बिग बॉस इस तरीके से उन्हें घर से बेघर करने तक के लिए बोल देंगे, तो यही आज देखने की वाली बात भी होगी कि आखिर इतना भी क्या वो ज्यादा। लेकिन मुझे एक बार फिर से ये लगता है कि शायद अभी सिद्धार्थ को बेघर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने पहले भी देखा बहुत सारे पहले एग्जांपल्स ऐसे रहते जब उन्होंने बोतलें फेंक के मारी और उसके बाद उनको बाहर निकाला और फिर दोबारा से, पर कहीं ना कहीं प्रशांत देखा गया है प्रियंका जग्गा थी, ओम स्वामी थे, तो ये इन लोगों को तो घर से बेघर कर, डॉली मित्रा थी, ओम को तो हम सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम तो गंद थे बिल्कुल, कि जिस तरीके से उन्होंने गंद मचाई थी घर में वो तो शो में आना ही डिजर्व नहीं करते थे, उनको निकाला गया है। लेकिन फिजिकल होना भी कहीं ना कहीं, फिजिकल हुए हैं वो चीज अभी देखनी पड़ेगी शो में आज के आखिर ऐसा भी क्या किया है जो बिग बॉस सीधा हम नहीं कह सकते बिल्कुल, वो आज के एपिसोड में हमें पता नहीं लगता है कि वो बाहर जाएंगे। प्रियांक शर्मा थे, उन्होंने हाथ उठा दिया था आकाश पर, उन्हें निकाल दिया था, लेकिन
लेकिन वो वापस आए थे, तो कहीं ना कहीं अगर सिद्धार्थ को निकाला जाएगा तो वो वापस डेफिनेटली जरूर आएंगे। ठीक है आरती जी, सिद्धार्थ शुक्ला की तो बहुत सारी बातें होगी, अब हम बात करते हैं शहनाज की। शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला की जो टीम है उसका साथ छोड़कर अब वो पारस की टीम में वापस चली गई। एग्जैक्टली, बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर कल देखने को मिला, अचानक से जो शहनाज, हालांकि बीच बीच में शहनाज को कई बार देखा गया था कि पारस को लेकर उन्होंने सॉफ्ट बिहेवियर दिखाया था अपना कई बार, जब भी एक तरफ वो सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी और भरोसेमंद बनकर रहती थी, लेकिन बीच बीच में हिमांशी खुराना की जब एंट्री हुई थी तब भी, हिमांशी खुराना की एंट्री हुई है वो तो एकदम बदल गई, उनको तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरह से गेम खेलें। कल जब आसिम और सिद्धार्थ आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि शायद वो थोड़ा डर गई हैं कि कहीं उनका पास्ट सामने ना आ जाए, हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये शहनाज बहुत डरी हुई हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो बातें धीरे धीरे खुलने लगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और वो खुद एक और चीज़ है कि वो थोड़ी परेशान इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि अभी तक वो खुद को सबसे बड़ी एंटरटेनर समझती रही, उनको लगता था कि बिग बॉस की का सबसे जो पॉपुलर फेस है वो वही है, क्योंकि कई लोग जो आए उन्होंने भी शहनाज को बहुत अप्रिशिएट किया, पॉपुलर नहीं लेकिन एंटरटेनर जरूर वो अपने आप को बहुत मान रही थी, वो वही हुआ एक तरीके से कि पॉपुलर तो है ही ना, इसी वजह से तो पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत अच्छा एंटरटेन करती है। तो वो डर गई है कि अब जो नए लोग आए स्पेशली हिमांशी के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी, ज्यादा वो हिंदुस्तानी भाव खुल गई, अगर वो खुल गई तो उनके लिए दिक्कत ना हो जाए, जो उन्होंने इमेज बनाई है वो कहीं खराब ना हो जाए, ये डर है जिसकी वजह से वो अपना अभी तक अपनी राह डिसाइड नहीं कर पा रही। काफी हैरान करने वाली है बात, जबकि एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि शहनाज को खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने और आरती सिंह ने बहुत सपोर्ट भी किया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम नॉर्मल रहो जैसे हम रहते हैं वैसे तुम रहो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में कुछ अलग से चल रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, वो अपना एक अलग ही गेम खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो सभी को जहां तरफ वो वाइल्ड कार्ड उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी वो वाइल्ड कार्ड को बोलती है कि सारे नल्ले हैं, सबको ऐसे बोलती नजर आई वो पारस के सामने, वही पारस ने भी बोला कि अगर अब तूने सिद्धार्थ शुक्ला की साइड ली तो मैं तेरे चांटा मारूंगा, तो कहीं ना कहीं वो पारस की टीम में चल गई, कल वो अकेले लेट रही थी बाहर, फिर वो पारस उनको लेकर के गई, वो फिर वो पारस के साथ सोई, तो कहीं ना कहीं जो वो शहनाज जो है वो एक पड़ाव उन्होंने अलग तरीके से खेला, अब वो कुछ अलग गेम में दिखाना चाहती हैं, क्योंकि जो पहले दिखाया वो लोगों को बहुत पसंद आया, अगर एक ही जैसा चलता रहेगा पूरा टाइम उनका तो लोग भी बोर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है शायद कुछ अलग देख दिखाने की कोशिश कर रही है, तो शायद लोगों को पसंद भी आए। और हाँ, जैसे कि आरती जी ने बोला कि डर है थोड़ा, तो मुझे भी लग रहा है ये चीज़ को लेकर के अगर हिमांशी जो है वो ज़्यादा खुल उनकी पोल वोल खोल दे तो उनको डर भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उनसे चोर भी फील कर रही हैं, लेकिन अगर वो कुछ अलग कर रही हैं पहले से तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आरती जी, अब जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग नॉमिनेट हुए उनमें से आप किसे चाहते हो घर से बेघर? चाहना नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी लोग आए हैं और जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, मुझे लग रहा है कि हमने पिछले 2-3 दिन में मैंने जिसको सबसे कम देखा है या जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, मेरे हिसाब से वो नाम तहसीन पूनावाला है, और मुझे लगता है कि शायद वो जल्दी ही बेघर होगा। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत? मेरे को लगता है कि जो वाइल्ड कार्ड्स आए उन्हें कहीं ना कहीं अभी एक हफ्ते का मौका देना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते 2-3 दिन में हम नहीं किसी को प्रॉपर तरीके से जज करते, तो मेरे हिसाब से मुझे या तो माहिरा और दूसरा तहसीन, इन दोनों में से कोई एक बार बेघर होना चाहिए। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आप बिग बॉस के अड्डे के साथ बने रहिए, हम आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरें लाते रहेंगे, वहीं आप हमें कमेंट करके भी ये जरूर बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बेघर होना चाहिए या नहीं।